रेलवे की विंडो रिजर्वेशन के लिए अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खंडवा के केवलराम पर स्थित सकलेचा स्टेशनरी के सामने खंडवा रेलवे रिजर्वेशन सेंटर खुला है। यहां पर आकर आप विंडो रिजर्वेशन की सेवाएं ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मौके पर जाकर दुकान पर जाकर टिकट भी बनवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के टैगोर पार्क के पास महाराणा प्रताप की प्रतिमा प्रस्तावित है और खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के एक पत्र के बाद उसके लगने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर खंडवा में इन दिनों बवाल मचा हुआ है और ये क्या बवाल है, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर इस समय स्थिति बड़ी असमंजस में बनी हुई है, इसको लगाने का जो श्रेय है वो अलग अलग लोग ले रहे हैं, पार्टी ले रही है, संगठन ले रहे हैं। जहाँ एक और भाजपा इसका श्रेय ले रही है, वहीं दूसरी ओर मामला कुछ और निकल कर आ रहा है। पूरी बात आज सुनवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुरहानपुर विधायक ठाकुर शेरा भैया सहित कई अन्य नेताओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगने को लेकर अपनी बात कही और क्या उनके द्वारा बात कही गई, आपको पूरी बात सुननी चाहिए। और चित्तौड़गढ़ के हिसाब से बनाएंगे, किले के हिसाब से, तो वो पूरे क्राइटेरिया में आ रही है, गाइडलाइन के हिसाब से ही सब लोग, क्योंकि PWD ने जब इसकी अनुमति दी थी हमको तो उन्होंने 10 फीट 11 फीट जो भी उनका क्राइटेरिया बनता है उसी नियम अनुसार ही परमिशन दी। सभी की सहमति है, जब जब वो लोग देखने आए बकायदा मुझे भी बुलाया गया। जी यही तो, अभी तो हमने प्रक्रिया शुरू ही की है भैया, हम मूर्ति की साइज में हम अभी अटके हैं, तो पीछे का ग्राफ की तो बात ही नहीं हो रही है अभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। मैंने कमलनाथ जी से खंडवा शहर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित करने का एक निवेदन किया, जिसके फलस्वरूप तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कलेक्टर खंडवा ने 1 अक्टूबर 2019 को प्रतिमा लगाने के संदर्भ में कमिश्नर नगर निगम खंडवा को अनुमति प्रदान की, जिसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजी गई, उसकी छाया प्रति आप सभी के पास मैंने दे दी है। तत्कालीन कमिश्नर महोदय ने इस विषय में टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी थी और राजनीतिक उलटफेर के चलते हम 2019 से 2022 में आ गए और प्रतिमा का इस लंबे समय अंतराल के पश्चात समाजजनों के सहयोग को लेने की चर्चा के उपरांत हमने 5 जनवरी 2022 को कलेक्टर महोदय से लिखित में अनुरोध किया कि यदि नगर निगम प्रतिमा नहीं लगा पा रही है तो आप हमें अनुमति दें ताकि हम परस्पर सहयोग से प्रतिमा स्थापित कर सकें। माननीय कलेक्टर महोदय ने तत्काल कमिश्नर नगर निगम खंडवा को नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए और अनौपचारिक सहमति भी प्रदान की। इसी तरह उसी दिन कमिश्नर महोदय से हम लोग मिले, उन्होंने भी मौखिक तौर पर हमको सहमति दे दी और उसके बाद आज वो मुकर गई इस बात से कि हमने आपको सहमति दी। 5 जनवरी को हमारे द्वारा स्वयं के व्यय पर प्रतिमा लगाने का पत्र कलेक्टर महोदय के पास जाते ही दूसरे दिन 6 जनवरी को प्रतिमा के संदर्भ में सांसद महोदय का पत्र भी जाता है, जिसका हमने स्वागत किया। मैंने स्वयं सांसद महोदय को फोन लगाया और उसकी इस पहल के लिए उनको आभार व्यक्त किया और साथ ही निवेदन भी किया कि इसमें उन्होंने ही प्रतिमा लगाने की पहल की हो। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन लगातार समाचार पत्रों में प्रतिमा को लेकर प्रकाशित समाचारों से यह प्रतीत होने लगा कि कोई राजनीतिक रसाकशी इसके पीछे कार्य कर रही है, जिससे हमें परहेज। हमने कमिश्नर महोदय से पुनः चर्चा की और ये वे जन सहयोग से प्रतिमा लगाने के विषय में मुकर गई और कहा कि प्रतिमा हम ही लगाएंगे। यही आश्चर्य का विषय है कि आर्थिक तंगी से जूझती नगर निगम जन सहयोग को क्यों नकार, जबकि बीते 2 साल के कोरोना काल में हमने अधिकारियों का जन सहयोग के लिए हाथ जोड़कर देखा है। आश्चर्य है कि यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा प्रतीक्षित है,
उसे छोड़कर और जन सहयोग को नकार कर महाराणा प्रताप की प्रतिमा में रुचि ली जा रही है। हमने कमिश्नर महोदय से निवेदन किया है कि वे हमें लिखित में दें कि नगर निगम ही प्रतिमा लगाएगी और साथ ही ये भी बताएं कि कितने समय में अनुमानित कितना समय उनको लगेगा, क्योंकि हम 3 साल पहले ही इंतजार कर चुके हैं। प्रतिमा की स्वीकृति 15 फीट की थी और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें ये पता चला है कि वो प्रतिमा 11 फीट से 12 फीट की लगाई जाएगी। इस पे हमें घोरा। दूसरा, हम चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन प्रतिमा पर होने वाले खर्च को अन्य विकास कार्यों में लगाकर जनहित में कार्य करें और प्रतिमा निर्माण को लेकर समाजजनों के उत्साहित जन सहयोग को स्वीकार करें। प्रतिमा के संदर्भ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज जो उदयपुर कुंभलगढ़ में रहते हैं और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर, राजपूत करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय महासभा अलग अलग जिलों की, क्योंकि मैं राजस्थान से जुड़ी हूँ, कोटा महाराज, इसमें प्रतिमा के लिए अनुदान राशि सहयोग करने के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। चूंकि मेरा ननिहाल महाराणा प्रताप के वंशज हैं तो इससे मेरा व्यक्तिगत भी मतलब एक भाने होने के नाते मैं चाहती हूँ और उन लोगों ने सभी ने सहयोग की, मुझे सहमति दी है। कृपया महाराणा प्रताप की प्रतिमा के विषय को सामाजिक गौरव का विषय रहने दें, इसे राजनीतिक विषय न बने। 2019 से लेकर जनता पार्टी इस मूर्ति को लगाने का श्रेय अपने हाथ में लेना चाहती है, वहाँ के नेताओं का। वो माननीय जो सांसद अभी नाम निर्वाचित हुए, उन्होंने पहली मीटिंग के अंदर ही इस मूर्ति का प्रस्ताव की खंडवा में, मतलब 3 साल से हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं, हम इस चीज को आगे बढ़ा के लिए आए थे। किसी कारण से हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उससे कुछ लेकिन ये बीजेपी इस मूर्ति को, ये मूर्ति लगना ये बात तय है। हाइट उन्होंने जरूर कम कर दी, हम हाइट की हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन 15 फीट की हाइट वो कर भी देते हैं तो भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये सेल उठने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी हमें कोई दिक्कत, हमारे साथ आए ना। लेकिन ये सिर्फ ये अगर ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं हमारे कारण सब चीज हो रहा है, उसमें हमारी असहमति। तो श्रेय जिनने शुरुआत की वहां से लेकर सबको मिलना चाहिए। महाराणा प्रताप, हमारे एक साथी ने कहा महाराणा प्रताप महापुरुष थे, न तो किसी समाज के थे, न किसी जात के थे, सारे लोगों के थे, पूरे देश के थे, पूरे राष्ट्र के थे। तो राष्ट्र के महापुरुष के साथ में सब लोग खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के हमें चाहते हैं। व्यक्ति विशेष पार्टी श्रेय लूटने का कोशिश कर रही है, उसको ना होने देंगे। समाज और नगर निगम कमिश्नर ने इसके टेंडर भी फ्लोट किए, कंट्रोवर्सी कहीं नहीं। अचानक आप इसको राजपूत समाज जो मूर्ति लगाना चाहता है शिरोमणि महाराज महाराणा प्रताप जी की, उसमें दखल अंदाजी कर रहे हो। समाज खुद अपने सहयोग से अपने साधनों से 15 फीट की महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाना चाहता है, नगर निगम की परमिशन है इसमें, तो दूसरे लोग इसमें क्यों बेवजह बेफालतू इंटरफेयर कर रहे हैं? उनको ये नहीं करना चाहिए, समाज को उसका काम करने देना चाहिए। और आपने ये जो फंड आपका है नगर निगम के पास मूर्ति लगाने का, वो और अटल जी की लगाइए जो ऑलरेडी वेटिंग में है, और भी दूसरे महापुरुषों की लगाइए। कृपया करके महाराणा प्रताप की मूर्ति में आप लोग दखल अंदाजी ना करें और अतिशीघ्र उसकी परमिशन दें, जिससे कि समाजजन इस मूर्ति को जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्थापित करके इनके मूर्ति का अनावरण कराए। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूर्व में सारी नगर निगम की और प्रशासन की स्वीकृतियाँ हैं और 15 फीट की मूर्ति लगाने के लिए हमने आवेदन किया और उसके लिए मंजूरी भी मिल गई। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 फुट की मूर्ति, अभी जो नया जिला समिति की बैठक हुई उसमें उन्होंने 10 फुट की मूर्ति, एक तो हाइट भी कम कर दी, दूसरा हम सब समाज के लोग अपना स्वयं के कलेक्शन से मूर्ति लगाना चाहते हैं, नगर निगम को इतना कहा कि पेडिस्टल बना दें, स्थान का चयन उन्होंने कर लिया। अब ये किसी मूर्ति लगाने की बात है तो मूर्ति तो हम लोग सब, जैसा भी प्रियंका भाभी ने बताया और शेरा भैया ने भी, हम सब समाज के जन अपने व्यवसाय उस मूर्ति को 15 फुट की मूर्ति को अष्ट धातु की लगाना चाहते हैं।
तो इसमें आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, इसमें 10 फीट की मूर्ति कर दी प्रशासन, ये बात समझ में नहीं आ रही। और ये सब मुझे लगता है कि समाज को इसमें अलग रखना चाहिए। श्रेय लूटने की बात है, जैसे शेर अभियान का और भी कई महापुरुषों की मूर्तियाँ जो लगाई जा सकती हैं, जहाँ पर अगर कोई लोग आगे नहीं आए तो नगर निगम को काम करना चाहिए और हमको इस काम के लिए स्वतंत्र करना चाहिए, कि हमारा आग्रह है। आज महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि, उस अवसर पर आप उनको सादर चरणों में नमन करते हुए आप सभी पत्रकार साहित्यों से निवेदन करते हैं कि इस जो हमारी राष्ट्रीय समाज की क्षत्रिय महासभा की जन भावना है उसका आप आगे बढ़ें, हमारा सहयोग है।